हाय गाइज, आज की वीडियो में बात करूंगा 2022 में दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आप टीचर हैं तो आसानी से दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और दीक्षा ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रहा दीक्षा ऐप, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल पर क्लिक करके। यहां से आपको ओपन कर लेना है। यहां से आपको लैंग्वेज को चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं इस ऐप को। हम यहां पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको रोल सेलेक्ट करना है कि आप टीचर हैं या स्टूडेंट। तो हम यहां से टीचर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहां पर देखिए नेक्स्ट पेज में हमें दिखाई देता है बोर्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहां से हम बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहां से आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर स्टेट बिहार को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है लैंग्वेज का। हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास अपने अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सभी को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं 12 तक। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोफाइल के आइकन पर। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप गूगल से भी साइन इन हो सकते हैं। तो चलिए हम रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सेलेक्ट योर बर्थ के ऑप्शन पर आकर आपको बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको पूरा नाम टाइप करना है। यहाँ पर पूरा नाम टाइप करने के बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है। आप ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। जिस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबरों को टाइप करेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिससे आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ से आपको पासवर्ड टाइप करना है। इस तरह का पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ से कन्फर्म पासवर्ड कर लेते हैं। फाइनली आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करना है। देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है, इसको हम बॉक्स में दर्ज कर लेते हैं। वन टाइम पासवर्ड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए लिख रहा है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ से आपको पासवर्ड टाइप करना है। फाइनली लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर वेलकम टू दीक्षा कहा जा रहा है। आपका जो रोल है आप सेलेक्ट कीजिए टीचर्स और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी सेलेक्ट करने वाले हैं। अभी सभी सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सबमिट कर देना है, सेव यहाँ से कर देना है। यहाँ पर देखिए चूज कंटेंट प्रेफरेंस का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। यहाँ से क्लस्टर सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं आप अपने अकाउंट में। यहाँ से आपको प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दीक्षा आईडी आपको मिल चुका है। आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप टीचर हैं तो आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दीक्षा ऐप पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद।